रहमान रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। प्यारे बच्चों, आज हम बहुत मशहूर नज़म करेंगे, लिटल थिंग्स। लिटल थिंग्स का मतलब होता है छोटी छोटी चीज़ें, बाय जूलिया ए कारनी। लिटल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, छोटे पानी के कतरे। लिटल ग्रेन्स ऑफ सेंड, छोटे रेत के ज़र्रे। मेक द माइटी ओशंस, ये ताकतवर जोरावर समुंदर बनाते हैं छोटे छोटे कतरे पानी के मिलके। और एंड द ब्यूटियस लैंड, और जो छोटे छोटे ज़र्रे हैं उससे हमारी ज़मीन बनती है। तो ये जो स्टांजा है, इसमें जो शायर है उसने इस तरफ तवज्जो दिलाई है कि आप देखें कि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, कितनी मामूली चीज़ है, लेकिन एक समुंदर जो है वो कितना ताकतवर बन जाता है, लेकिन वो भी पानी के छोटे कतरों से मिलके बना है। और इसी तरह कितनी हमारी ज़मीन जो है, हम कितनी बड़ी है, लेकिन ये भी छोटे छोटे रेत के ज़रों से बनी है। तो हर चीज़ की अहमियत है, बेशक वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो। एंड द लिटल मोमेंट्स, और छोटे लम्हे। आपको पता है कि एक लम्हा एक सेकंड का, मिली सेकंड हज़ारों हिस्से भी होते हैं। हम्बल दो में भी कितने ही वो आजिज हमें लगते हैं। मेक द माइटी एजिस, लेकिन वो ज़माने बनाते हैं। जो दिन हैं वो घंटे, सेकंड घंटों में घंटे, जो हैं वो दिनों में दिन, महीनों में महीनों, साल में तब्दील हो जाते हैं। ऑफ इटर्निटी, दवाम हमेश की, यानी वक्त का पहिया चलता रहता है। ये एक सेकंड का हज़ारवां हिस्सा, फिर एक सेकंड बनता है, फिर मिनट, फिर घंटे, फिर हफ्ते, फिर साल, और फिर इसी तरह ज़माने, सेंचुरियाँ गुजर जाती हैं। कामल लम्हे का इंतज़ार मत करो, हर लम्हे को कामिल बना लो। और आपको पता है कि टाइम जो है वो फ्री, वक्त मुफ्त मिलता है, बट इट इज़ प्राइसलेस, लेकिन वो अनमोल है। यू कॉन्ट ओन इट, आप इसकी मलकियत नहीं है ये, बट यू कैन यूज़ इट, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। यू कॉन्ट कीप इट, आप इसको रख नहीं सकते, बट यू कैन स्पेंड इट, आप इसको खर्च कर सकते हो। वंस यू हैव लॉस्ट इट, अगर ज़ाया कर दिया, यू कैन नेवर गेट इट बैक, कभी भी आप वापस नहीं ला सकते। तो इसलिए इस वक्त की अहमियत को जानो। ये मताउन कलील, टाइम इज़ प्रेशियस, टाइम अनमोल है। ये छोटी सी दुनिया, थोड़ी देर के लिए हम दुनिया में आए हैं। इस सो द लिटल एरर्स, सो छोटी छोटी गलतियाँ, लीड द सोल अवे, उल्टे रास्ते पे रूह को ले जाती हैं। फ्रॉम द पाथ्स ऑफ वर्चू, नेकी से कहाँ ले जाती हैं छोटी छोटी गलतियाँ, इन टू द सिन टू स्ट्रे, गुनाह और गुमराही की ज़िंदगी पे। इसलिए कहते हैं कि छोटी सी गलती को भी हकीर नहीं समझना चाहिए, बल्कि ये देखो कि गलती कर किसके हजूर में रहे हो, वो अल्लाह जो रब्बे का इनात है। तो छोटी छोटी गलतियाँ बन के बड़े बड़े पहाड़ बन जाते हैं, और फिर इंसान गलतियों के समुंदर में डूब जाता है। तो अल्लाह ताला कुरान जीद में सूरह ज़लज़ला में फरमाते हैं कि सो जिसने की होगी ज़रा बराबर नेकी वो भी देख लेगा, और जिसने की होगी ज़रा बराबर बदी देख लेगा वो उसे भी। तो हमें एक आँख हर वक्त देख रही है। अब तो टेक्नोलॉजी ने समझना ज़्यादा आसान कर दिया है। जिस तरह हमारी कैमरे से वीडियो बनती है, इसी तरह हमारी 24 घंटे की एक वीडियो बन रही है। लिटल डीड्स ऑफ काइंडनेस, इसी तरह रहमदिली के छोटे छोटे काम। लिटल वर्ड्स ऑफ लव, और मोहब्बत के छोटे अल्फाज। मेक द अर्थ ईडन, हमारी दुनिया ही को जन्नत बना सकते हैं। लाइक द हेवन अबव, जैसे जन्नत ऊपर में है, वो तो मरने के बाद जाएंगे, लेकिन छोटे छोटे काम हैं, हंसना मुस्कुराना, एवरी ये हम करें, जैसे किसी की मुश्किल आसान कर देना, किसी के लिए दरवाज़ा खोल देना, किसी को छोटा सा फूल गिफ्ट कर देना। एवरी गुड डीड इज़ चैरिटी, हदीस में आता है कि हर अच्छा काम सदका है। और कुछ ये काम हैं जैसे मस्जिद में नमाज अदा करना, किसी के जनाजे में शिरकत करना, किसी की बात दरगुजर करना, अल्लाह का जिक्र करना, इल्म हासिल करना, इशराक पढ़ना, अजान देना, ये सारे छोटे छोटे काम हैं, लेकिन इनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। फिर सलाम को रवाज देना, खाना खिलाना, और सजदा करो जब लोग सो रहे होते हैं, तुम जन्नत में जाओगे, ये भी हदीस है। कितने छोटे से काम है, सलाम में पहल करना, कोई करे ना करे मैंने तो पहल करनी है। और फिर आप ये ड्रॉप ऑफ गुड डीड कैन बिकम एन ओशन इफ़ यू डू इट कॉन्स्टेंटली। और फिर जितने भी ये काम हैं,
इनको मुसलसल करते रहना, सिर्फ एक दिन नहीं रोज करना, तो ये भी समुंदर अच्छे काम का एक समुंदर बन जाएंगे। क्योंकि कुरान मजीद में आता है 23वीं सूरत में कि जिनके भारी होंगे पलड़े वही फलाह पाएंगे। तो असल में नेकी नहीं है कि एक दफ़ा करके भूल जाए, बल्कि रोज नेकी करना और उस पर कायम रहना। तो ये जो लिटिल थिंग्स है, ये पोइम हमें यही दर्श देती है, किसी नेकी को हकीर मत जानो, किसी अच्छाई को।